अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आपको अभी कुछ ऐसे एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, तो देखते हैं कौन कौन भाई मेरा इस स्टोरी से क्या सीखता है। तो स्टोरी इतनी सी है कि एक 80 साल का आदमी, जानते हैं आप 80 साल के आदमी का क्या हाल होता है, तो उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने अपना चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने कहा आपके हार्ट का ऑपरेशन होगा, तो उसने अपने आप को एडमिट करा दिया। 4 दिन एडमिट रहा। 4 दिन एडमिट करने के बाद जब उसके हाथ में उसका बिल आया, तो बिल देख के वो रो पड़ा। बिल था 40 लाख रुपए का, 4 दिन का 40 लाख रुपए। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप घबराए नहीं, मैं आपका बिल कम कर दूंगा। तो उसने कहा, अरे डॉक्टर, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि, उस आदमी ने बोला कि मैं 40 लाख क्या, मैं 40 करोड़ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे दिल के धड़कने की कीमत 4 दिन की 40 लाख है। आप समझ रहे हैं, दिल के धड़कने की कीमत 4 दिन की 40 लाख है, और 80 साल से जो फ्री में इस दिल को धड़का रहा है, 80 साल से उसको इस फ्री में इस दिल को अड़का रहा है, तो मैं कितना कर्जदार हूँ उसका, जो फ्री में सांसें दे रहा है, कितना कर्जदार हूँ मैं उसका, जो मुझे सोचने की शक्ति दे रहा है, जो मेरे हाथों से मुझे काम करने की और लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमा रहा है, तो वो कितना सुप्रीम है। वो सोच के वो आदमी रो पड़ा। तो सोचने वाली बात है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। तो उन भाइयों और बहनों के लिए एक बात मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा कि सपोज आप सोचो, अभी आप बिल्कुल भी अपने फ़ोन को स्ट्रेट रखो, यहाँ से फोकस करो और सोचो कि अगर मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूँ, तो आप उन पैसों का क्या करना चाहेंगे? अगर कोई मुझे 100 करोड़ देगा, तो मैं उन चीज़ों से, जैसा कि मेरा शौक है, मैं पूरा वर्ल्ड घूमना चाहूँगा, ठीक है, और महंगी महंगी कार्स खरीदूँगा, महंगा महंगा खाना खाऊँगा, अच्छी अच्छी जगह देखना चाहूँगा, हज पे जाना चाहूँगा, उम्रे पे जाना चाहूँगा, बड़ा सा घर बनाना चाहूँगा, गरीबों की मदद करना चाहूँगा, और वो जो गरीब मुझे दुआ देगा, मैं उसको सीने से लगाना चाहूँगा, सब कुछ करना चाहूँगा। लेकिन उसके बदले भी मैं आपसे कुछ लूँगा, मैं आपकी दोनों आँख आपसे ले लूँगा। अब भी क्या आप 100 करोड़ रुपए लेने के लिए तैयार हैं? नहीं, क्योंकि उस आँख से आप ना कोई अच्छी चीज़ देख पाएंगे, ना हमारे नबी के रोज़े मुबारक देख पाएंगे, ना काबा शरीफ देख पाएंगे, और भी जो हमारे भाई हैं जो जिनकी धार्मिक स्थल हैं, वो आप नहीं देख पाओगे। आप अच्छा खा तो पाओगे, आप फील कर पाओगे, लेकिन आप नहीं देख पाओगे, आप सूंघ लोगे, बट आपको जो आप अपने कपड़े पहनोगे, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, आपकी मैचिंग क्या है, क्या है, कुछ नहीं होगा। आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाओगे, या कोई भी हमारा भाई जो अदर रिलीजन से है, हमारे हिंदू भाई गीता नहीं पढ़ पाएंगे, और ये बात मेरे जहन में चल रही थी कि आप आपकी आँख की कीमत आपने बिना सोचे समझे नो बोल दिया होगा, मुझे पता है। आपके आँख की कीमत आपके एक एक बॉडी के पार्ट की कीमत है ही नहीं। तो ऊपर वाले ने आपको वो चीज़ दी है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। ऊपर वाले ने आपको वो चीज़ अता करी है जिसकी कोई कीमत नहीं है। उसके बाद भी छोटी सी बात एक लेते हैं, आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, अपने दोस्त के पास जाकर बोलते हैं कि भाई भाई मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ कर।
दोस्त पैसे दे देता है, भाई भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद दोस्त मिलता है, पैसे हालांकि नहीं मांगता है, जब जब मिलता है आप उसको इज्जत देते हैं और इज्जत देते हैं और इज्जत देते हैं, और सब तरफ गाते भी, भाई देखो ये भाई बहुत अच्छा है, इसने मेरी मदद करी, ये भाई बहुत अच्छा है, इसने मेरी मदद करी। इवन वो आपसे पैसा ना ले, वो बोलता है जा मैंने पैसे छोड़ दिया, आप उसको और एकदम आपके उसके आगे बिल्कुल गिर जाते हो कि हाँ ऐसा है वैसा। तो आप जब अपने एक छोटे से दोस्त जो कि मदद कर रहा है आपकी, उसके लिए आप बिल्कुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल टाइम थैंक यू, बट हु इज सुप्रीम? अल्लाह। अल्लाह जब आपको फ्री में सांसें दे रहा है, आपके बिना इतनी कीमती कीमती चीज़ें आपको दे रखी हैं, उसके बाद भी आप थैंक यू बोलने की जगह आप ये बोलते हो आपने मुझे दिया क्या है, आप थैंक यू बोलने की जगह ये बोलते हो कि मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास बहुत कुछ है। आप अगर ये सोच पा रहे हो ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये दिमाग भी उसी का है, आप इस बात को ध्यान रखिए। उसने बड़े बड़े साइंटिस्ट बनाए, उसने किसी को इतना दिया कि वो संभाल नहीं पा रहा है, उसने किसी को इतना दिया कि वो रख नहीं पा रहा है, उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई एक टाइम का खाना नहीं खा पा रहा है तो कोई 1,000 लोगों को खाना खिला रहा है, कोई कचरे में खाना फेंक रहा है तो कोई कचरे से खाना खा रहा है, हर किसी की रोजी लिखी हुई है। आप सोचने वाली बात है, एक चावल का दाना भी इंसान के नसीब में लिखा होता है कि कब वो खेत में गया होगा, उसका गेहूँ मतलब जो भी प्रोसेस होता है वो जो बना होगा, उसके बाद वो किसान ने काटा होगा, वो आया होगा, किस किस देश में गया होगा, उन देशों में कितने लोग होंगे, कितनी मार्केट होंगी, उन मार्केट में कितने लोग गए होंगे, उन लोगों में सिर्फ आप ही वहाँ गए, आप गए तो आपके घर में आया, घर में कितने लोग थे, उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाने के बाद आपको सर्व किया, सर्व करने के बाद आपके जो लुकमे में नीचे नहीं गिरा वो आपके मुंह में गया, तो वो एक दाना आपके नसीब का था जो कि साल भर पहले लिखा जा चुका है। तो यकीन मानिए, आपकी किस्मत में जितनी रोजी लिखी है, जब तक के वो आपको मिल नहीं जाती, आपका इंतकाल नहीं होगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल फिक्र छोड़ दें कि मेरे पास नहीं है नहीं है नहीं है, जितना आपके नसीब में लिखा है सिर्फ उतना ही आपको मिलेगा। करना क्या है आपको, करना आपको ये है कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं और 4 रोटी ज़बरदस्ती खाते हैं, तो बेहतर ये है कि उन 2 रोटी में अपना गुजारा करके और 2 रोटियों में उनका पेट भरें जिनको सच में ज़रूरत है। हालांकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था और मैं बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस यही बात आपसे करनी थी। और मुझे खुशी ये होगी कि मेरा वीडियो जो है, जो मैं बना रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जब ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो कुछ कुछ ऐसी बात होंगी जो आप अपनी बहन को बताना चाह रहे होंगे, जो आप अपने भाई को बताना चाह रहे होंगे, जो आप अपने दोस्तों को बताना चाह रहे होंगे, तो वो इस वीडियो के थ्रू आप तक के पहुंच सकता है। और मुझे क्या चाहिए आप लोगों से, मुझे सिर्फ आप लोगों से ये चाहिए कि आप फीडबैक दें इसके रिगार्डिंग, क्या ये जो मैंने बोला क्या ये सही था और आपने इससे क्या सीखा, क्योंकि मैंने पहले ये सेम स्टोरी 4 से 5 बार सुना, यहाँ से निकाला यहाँ से, लेकिन जब मैं अकेला पड़ा, अभी फ़िलहाल मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया के बाहर हूँ, और जब मैं अकेला पड़ा तो मेरे साथ कोई नहीं था, जब मैं अकेला पड़ा तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था और मेरे साथ मेरा अल्लाह था, तो मैंने उसको याद किया और मेरी मुश्किलें जो बहुत बड़ी थी, जो कि ना हल होने वाली थी, गैप से मदद हो के वो अल्हम्दुलिल्लाह सब सही हो रही हैं। और अल्लाह करे हर किसी की किस्मत अच्छी हो, और जो भाई बहन मेरे वीडियो देख रहे हैं और अगर अलग अलग कंट्री में हैं, अपने देश से बाहर जाकर कमा रहे हैं, तो उनको सिर्फ इतना ही बात कहूँगा कि अपने संस्कारों को मत भूलें, और सबसे पहली चीज़,
कि अपनी संगत ऐसी रखें कि आपको शैतान भड़का ना पाए। हो सकता है आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ में आया हो, तो बस यही था आज का। ऐसे ही मेरे पास इंटरेस्टिंग बहुत सारी स्टोरीज हैं। मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर सऊदी अरेबिया में मैं हूँ, और यहाँ पर अरबी मुझे अभी थोड़ी थोड़ी आती है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर बांग्लादेश से हैं, जॉर्डन से हैं, पाकिस्तान से हैं। तो हमारे पास तो जॉर्डन और बांग्लादेश के ही लोग हैं, तो मैं ना इनसे हिंदी में बात कर सकता हूँ, और बहुत से लोगों को इंग्लिश अभी नहीं आती, तो मैं यहाँ पर किसी को सही से समझा नहीं सकता था। मेरे अंदर बहुत भड़ास थी ये निकालने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालता हूँ, मे बी इसका कुछ बेनिफिट हो। मुझे मनी बेनिफिट बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर कोई यूट्यूब से इस वीडियो को अगर आगे करता है तो मुझे मनी का बेनिफिट नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और चलिए मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ, आपको कुछ और अच्छी सीख देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।